राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे के फैसले के बाद एक और बड़ी बात कही। 25 मई को राहुल गांधी ने CWC की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की और उसके बाद राहुल गांधी का एक और जो बयान सामने आता है वो ये है, मुझे दुख होता है कि मेरे बाद किसी और बड़े नेता ने इस्तीफा देने की पहल नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तकलीफ होती है मेरे बाद किसी और नेता ने अपना पद छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। राहुल गांधी के इस बयान ने देश की सियासत में हलचल पैदा की हो या ना की हो, लेकिन कांग्रेसी खेमे में जरूर बवाल मच गया। एक यहां पर बरसात से होने लगी इस्तीफों की। 150 पदाधिकारी अब तक इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर इस्तीफा देंगे तो हम भी अपना इस्तीफा दे देंगे। राहुल गांधी का इस्तीफा रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इन सब के बीच बीते कल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जाहिर सी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा सवाल अध्यक्ष को लेकर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि फिलहाल खाली अध्यक्ष पद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट बन चुका है। खाली अध्यक्ष पद यहां पर कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा संकट बनकर पार्टी की परेशानियों को बढ़ा रहा है और पार्टी को यहां काफी ज्यादा कमजोर कर रहा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व को निशाना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी खेमे पर सवाल उठा रही है और इस सवाल के बीच में कांग्रेस के सामने चुनौती है, राहुल को अध्यक्ष पद से इस्तीफा ना देने के लिए मनाना भी, और साथ ही अगर राहुल गांधी अपना इस्तीफा दे देते हैं तो नए अध्यक्ष का चयन करना भी। बीते कल हुई कॉन्फ्रेंस में कई बड़े नेताओं ने राहुल के इस्तीफे पर, कांग्रेस के अध्यक्ष पर और नए अध्यक्ष पर कई तरह की बातें कही। सबने अपना अपना मत रखा। जितने भी पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं उनके इस्तीफे को लेकर इन बड़े नेताओं की सोच क्या है, पार्टी के भीतर कैसी स्थिति बनी हुई है, कितना तनाव है और ये तनाव कैसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, ये तमाम जानकारियां आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कई राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे जारी हैं। इस बीच बीते कल यानी शनिवार को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां नए अध्यक्ष पर पार्टी ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पूरे संगठन की भावना एक है कि राहुल गांधी पद पर बने रहें। उधर कांग्रेस के सचिव हनुमंत राव ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी सबकी है, राहुल गांधी कांग्रेस के नए जीवन की इकलौती उम्मीद हैं। वहीं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने अपने इस्तीफे की खबरों पर कहा, हर कोई इस्तीफा देगा, CWC की बैठक में सबने यही कहा था। बता दें आपको, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा से पूछा गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जिस पर उन्होंने कहा, सबके अनुरोध का तरीका अलग अलग है। कांग्रेस कार्य समिति भी राहुल गांधी से अनुरोध कर चुकी है कि उन्हें अध्यक्ष बने रहना चाहिए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, इसे लेकर भी खेड़ा ने कहा कि शाह ने व्हाट्सएप से इतिहास का ज्ञान लिया है, उन्हें इतिहास की किताब हम भेजेंगे। वहीं तेलंगाना के नेता हनुमंत राव ने कहा कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता हूं, इसलिए इस्तीफा दिल्ली भेज दिया। राहुल अकेले पार्टी की हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये सही नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी सभी नेताओं की है, राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए नए जीवन की इकलौती उम्मीद हैं। यहां पर बीते कल कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सबसे ज्यादा सवाल प्रवक्ताओं से राहुल गांधी पर ही पूछे गए। पवन खेड़ा से नए अध्यक्ष पर ही सवाल किए गए, जिस पर पवन खेड़ा ने कहा कि अध्यक्ष पद की आखिरी उम्मीद राहुल गांधी ही है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में कई बड़े बदलाव बहुत जल्द होने वाले हैं। पार्टी यहां पर नए बदलावों के साथ एक बार फिर मैदान जंग में वापसी करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि नेताओं और सांसदों के आग्रह को मैं ठुकरा चुका हूं, नए अध्यक्ष के चयन में मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, पार्टी को नया अध्यक्ष खुद ही चुनना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों के करीब 150 कांग्रेस पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के महासचिव दीपक बाबरिया, विवेक तनखा, गोवा के अध्यक्ष गिरीश चोडंकर के नाम भी इस्तीफा दे देने वाले पदाधिकारियों में शामिल हैं।
कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के इस्तीफे के खिलाफ इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए पार्टी तैयार नहीं है, नए अध्यक्ष पर चुनाव करने के लिए पार्टी तैयार नहीं है, और अगर नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, नए अध्यक्ष पर किसी तरह का कोई फैसला पार्टी नहीं लेगी, तो राहुल गांधी इस पद को संभालने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस संगठन में बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों के बीच में पार्टी को अध्यक्ष पद में भी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्टी के लिए नया अध्यक्ष आखिरकार चुनना ही पड़ेगा।